रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास फाइव। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। कल हमने एक्सरसाइज 1A के 4th क्वेश्चंस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 4 पर। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें। राइट द नंबर्स इन फिगर्स। आपने इन नंबर्स को फिगर में लिखना है, गिविंग द स्पेसेस करेक्टली अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। और इनमें जो आपने स्पेस देना है वो आपने इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग देना है, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे स्पेस देते थे, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और 3-3 डिजिट्स के फासले पर हम स्पेस देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको 3 पार्ट्स आपको करवाने लगी हूँ। अपनी नीट कॉपीज पर आए। आपने इस तरह डेट एंड डे, एक्सरसाइज नेम एंड क्वेश्चन नंबर 5 पॉइंटर से, ब्लैक पॉइंटर से राइट करना है। नेक्स्ट आपने ए पार्ट राइट करना है। अब इसको वर्ड्स में, फिगर्स में किस तरह लिखेंगे, आप सबसे पहले इंटरनेशनल सिस्टम का जो चार्ट था, वैल्यू चार्ट, आप उसके यहाँ यूनिट से हिस्सा लिख लें। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। अब मैंने मिलियन तो ये इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी फर्स्ट वैल्यू मिलियन से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब देखें, अब इसको हम इसमें किस तरह लिखेंगे, 1 मिलियन था तो 1 को आप मिलियन के नीचे लिखेंगे। 900,000 था तो आप उसको 1000 के कॉलम में 100 के नीचे से स्टार्ट करेंगे, 900,000 हो जाएगा। अब बाकी हमें 100,000 तक वैल्यूज गिवन थी वो हमने लिख ली। अब बाकी जो आपके रह गए आप वहाँ 0,0 पुट करेंगे, ठीक है। इस तरह आपकी ये वैल्यू बन जाएगी 1,900,000। अब बी पार्ट पर आएं। 840 मिलियन है, इसमें भी आप लोग इसी तरह यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, 100,000,000 लिखेंगे। अब 100 मिलियन तक मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी क्वेश्चन में 840 मिलियन था तो वो 100 मिलियन तक मैं लेके आई। अब 840 मिलियन है तो 800 को आप 100 के नीचे लिखेंगे, 100 मिलियन में, एंड 40 मिलियन यहाँ लिखेंगे आप मिलियन के कॉलम में। नेक्स्ट आपको अब गिवन नहीं था, आप बाकी 0,0 पुट करेंगे, इस तरह ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 840 मिलियन। अब सी पार्ट देखें। 700 मिलियन है, इसी तरह आप इसमें भी ऐसे ही करेंगे, लिखने के बाद आप उसको नीचे फिल करेंगे और जो आपको गिवन नहीं है आप उसमें 0 पुट करेंगे, इस तरह आपकी ये वैल्यू 700 मिलियन फिगर्स में आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आए, बुक पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। राइट द नंबर्स इन फिगर गिविंग द स्पेसेस करेक्टली। आपने इन नंबर्स को फिगर में लिखना है लेकिन क्या करना है, आपने स्पेस करेक्टली देना है। अब ये स्पेस के बगैर वैल्यूज लिखी हुई हैं, इसके मैं आपको ए और बी पार्ट्स करवाऊंगी, सी और डी आपने करना है, ठीक है। अब नीट कॉपीज पर आए। आपने इसका क्वेश्चन नंबर 6 राइट करना है। ए पार्ट राइट, सॉल्यूशन लिखे ब्लैक पॉइंटर से। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको स्पेस देने के लिए आपने पहले इंटरनेशनल वैल्यू चार्ट में इस तरह स्पेस देके, जैसे आपको पीछे कॉलम दिखाया था, आपने उसी तरह स्पेस के साथ इस चार्ट की वैल्यूज उतारनी है, ठीक है, बिलियन तक। अब इसके नीचे आप राइट साइड से वैल्यूज को लिखना स्टार्ट करें, ठीक है, उसी के नीचे नीचे राइट करते जाएं और फिर इस तरह ये आपकी वैल्यू बन जाएगी। आप इजीली इसको पढ़ भी सकेंगे, 2,905,000,384,356, ठीक है। इसी तरह आप बी पार्ट भी देखें। बी पार्ट में भी आपने क्या करना है, पहले आपने इंटरनेशनल वैल्यू चार्ट लिखना है, वैल्यू चार्ट लिखने के बाद आपने राइट साइड से वैल्यू स्टार्ट करनी है और उसको उनके नीचे नीचे लिखना है, इस तरह आपकी ये भी वैल्यू स्पेस के साथ करेक्ट आ जाएगी। अब इसका जो सी और डी पार्ट है आप उसकी प्रैक्टिस करें अपनी कॉपीज पर। आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर, बुक पर आए। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। आपने इन नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। अब इसके मैं आपको ए और बी पार्ट करवा रही हूँ, बाकी सी डी ई एफ रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। अब इनको वर्ड्स में लिखने का क्या मेथड है, आप नीट कॉपीज पर आए। अब देखें, इसी तरह आपने ब्लैक पॉइंटर से क्वेश्चन और ए पार्ट राइट करना है, सोल्यूशन की हेडिंग देनी है। अब उसको आपने वर्ड्स में लिखने का क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने उन वैल्यूज को चार्ट में वैल्यूज लिखनी है, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। इस तरह 4 के ऊपर मिलियन आ गया तो 4 मिलियन आ जाएगा। आगे 0,0 था तो उसमें कोई वैल्यूज नहीं थी, इस वजह से आप सिर्फ 4 मिलियन लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट देखें। इसमें भी आपने ऊपर यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन राइट करना है। आप सबसे पहला डिजिट आपका ये है, अब ये 76 मिलियन एंड 500,000, इस तरह आप इसको राइट कर लेंगे, ठीक है। अब बुक पर आए, क्वेश्चन नंबर 8 पर। राइट द नंबर्स इन द फिगर गिविंग द स्पेसेस करेक्टली। अब आपने इन नंबर्स को फिगर में लिखना है, ये जो आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं
और इनके दरमियान आपने स्पेस को सही स्पेस देना है, ठीक है। अब इसके फर्स्ट टू पार्ट्स मैं आपको करवाऊंगी, इसी तरह आपने सी एंड डी पार्ट्स खुद करने हैं। अब देखें, 2,500,000, 5,740,000,000। आप अपनी नीट कॉपीज पर आए, देखें इससे आपने ब्लैक पॉइंटर्स इनको राइट करना है। ब्लैक पॉइंटर्स राइट करने के बाद आपने सॉल्यूशन की हेडिंग देनी है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने पहले ये पेंसिल से ऊपर जूनर 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और बिलियन राइट कर लेना है, ठीक है। राइट करने के बाद आपने स्टेटमेंट में देखना है, फर्स्ट 2 बिलियन था तो 2 बिलियन में आप बिलियन के नीचे 2 लिखेंगे। नेक्स्ट था 500,000, तो 500,000 आप 1,000 वाले कॉलम में आएंगे, तो यहाँ से 100 के नीचे, 100,000 के नीचे आप लिखेंगे 5 और आगे 100, तो इसका ये 500 बन जाएगा। अब आपने इसको लिख लिया, स्टेटमेंट कंप्लीट होगी आपकी। उसके बाद जो आपके ये खाली कॉलम्स रह गए हैं, इसमें आप 0 0 लिखें इस तरीके से, इस तरह ये आपकी वैल्यू बन जाएगी 2,500,000। ओके, अब बी पार्ट पर आए, 5,740,000। इसमें भी आपने पहले लिख लेना है यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। अब 5 बिलियन था तो ये आप बिलियन के नीचे 5 लिखेंगे। आगे था 740 मिलियन, तो 700 जो है वो आप 100 मिलियन के नीचे लिखेंगे। आगे 40 मिलियन था तो आप 10 मिलियन के नीचे 40 मिलियन लिखेंगे, ठीक है। इससे आपकी बाकी आप वैल्यूज में एंट्री में 0 पुट कर देंगे, इससे ये आपकी वैल्यू बन जाएगी 5,740,000,000। ओके, अब आपने ये अपने जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है और इन क्वेश्चंस को अपनी नीट कॉपीज पर राइट करना है। ओके, इसके अलावा जो आपको नेटिव की वेबसाइट दी गई है आप उसको सब्सक्राइब करें, उसकी वीडियोस को लाइक करें, आगे बढ़ते रहो, पढ़ना है रुकना नहीं। दिस इज नेटिव स्लोगन, अपना ख्याल रखें, थैंक यू।